हेलो यूट्यूब, आज हम अगली नंबर का प्रोग्राम पाइथन में देखेंगे। तो पाइथन में अगली नंबर बनाने से पहले अगली नंबर को समझते हैं, अगली नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड, तो अगली नंबर एक्चुअली होता क्या है, जो नंबर दो, तीन और पाँच से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो, तो उसको हम अगली नंबर कहते हैं। ऐसे एक और नंबर, जिस नंबर को आप इंटर कर रहे हैं वो सेल्फ, वो तो डिवाइड हर कोई नंबर होगा, वो उसके अलावा। जैसे हम 14 को अगर निकालते हैं फैक्टर, तो इसका क्या होगा, 2 से फर्स्ट डिवाइड होगा, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा, फिर 1 से डिवाइड होगा। तो 1 तो यहाँ कॉमन सब में ही रहेगा, तो 1 को हटा देना है, और 14 भी कॉमन रहेगा किस लिए, तो 14 तो नंबर ही है, तो इसको भी हटा देना है। जो नंबर इसके अलावा जो फैक्टर आएगा वो 2, 3, 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई होगा तो वो अगली नंबर नहीं होगा। अगर 2, 3, 5 ही उसका फैक्टर है तो वो अगली नंबर होगा। जैसे हम देखते हैं सिंपली 12 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, तो फर्स्ट 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, और फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह हम फैक्टर निकाल के देखेंगे, जो 2, 3 और 5 से सिर्फ डिवाइड होगा वो अगली होगा, और जो नहीं होगा डिवाइड वो मेरा क्या होगा, अगली नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, नाम इसको हम इंटीजर टाइप कर देते हैं, तो इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट नंबर करेंगे, यूजर इनपुट होगा, तो इनपुट इंटर एनी नंबर, यूजर को नंबर इनपुट करने के लिए मैसेज दे दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले नंबर को अगर प्रिंट करना है या बाद में यूज करना है, तो नंबर को हम टेम्पररी वेरिएबल में सेव करके टेम्पररी वेरिएबल को यूज करते हैं, ताकि क्या हो, नंबर को अलग अदर्स जो कैलकुलेशन हो उसमें ओरिजिनल नंबर को यूज कर सके। तो हम दे देते हैं टेम्प इक्वल टू नम, ये मेरा सिंपल हो गया। टेम्प में उस नम को हम कॉपी कर दिया। अब एक फ्लैग वेरिएबल देते हैं जो 0 या 1 होगा, तो हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, सिंपल हो गया। अब एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल कंडीशन लगाएंगे, जब तक कि 1 1, चूंकि तो 1 तो 1 से डिवाइड होगा ही, तो 1 से ऊपर तक होना चाहिए। तो वाइल टेम्प ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ टेम्प मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, टेम्प इक्वल टू इंटीजर टाइप होगा, डिवाइड होगा, तो इंटीजर अगर नहीं करते तो वो डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा, इसलिए हम दे देते हैं इंट टेम्प डिवाइडेड बाय 2। फिर सेम हम देंगे एल्स इफ, सॉरी यहाँ एल्स इफ नहीं होगा, ई एल इफ होगा जो पाइथन में होता है, एल्स इफ टेम्प मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 अगर होता, टेम्प इक्वल टू, सॉरी इंटीजर टाइप होगा, तो इंट ब्रैकेट में टेम्प डिवाइडेड बाय 3। फिर हम देंगे एल इफ टेम्प मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ अगर इसमें से कुछ नहीं हो तो एक फ्लैग वैल्यू को 1 करके ब्रेक कर देना है, तो हम इसके लिए देते हैं else f इक्वल टू 1 और ब्रेक करके निकल जाना है। अब बाहर पूरा वाइल लूप से बाहर आके कंडीशन लगाएंगे, इफ f इक्वल टू 0, सॉरी इफ f इक्वल टू 0 प्रिंट num इज एन अगली नंबर, एल्स प्रिंट num इज नॉट एन अगली नंबर। ये सिंपली प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन करेंगे, अब यहाँ हम चेक करेंगे, तो पहले हम 40 को देते हैं, 40 एक अगली नंबर है, इसका फैक्टर 2, 5 आएगा।
तो इसके अलावा हम से 14 को चेक करते हैं, नॉट एन अगली नंबर की से, इसका तो फैक्टर 7 आ रहा है, चूँकि 7 2 3 5 के बाहर है इसलिए नहीं होगा। फिर हम 90 को चेक करते हैं या 12 को चेक करते हैं, तो 12 भी एक अगली नंबर है। तो इस तरह हम अगली नंबर का प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में सेम लॉजिक यूज करके बना सकते हैं। इस लॉजिक के अलावा हम इसको समझते हैं कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए हम इसको उठा के नोट पैड पे लाते हैं। तो जैसे ही यूजर इनपुट कर रहा है, अगर यूजर 14 इनपुट कर रहा है सिंपली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू टेम्प में क्या हो जा रहा है, स्टोर 14 हो रहा है, और नम का जो वैल्यू है वो नम में कॉपी रह रहा है। अब यहाँ टेम्प क्या हो जाएगा, यहाँ 14 फर्स्ट टाइम जैसे ही कंडीशन आएगा 2 से, चूँकि डिवाइड होता है 14, तो 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 14, जैसे ही 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 14 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही डिवाइड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, तो चूँकि यहाँ पे 7 आएगा तो ये हो जाएगा 7 आएगा तो यहाँ चेकिंग होगा 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, चूँकि नहीं हो रहा है इसलिए एफ का वैल्यू 1 करके ब्रेक कर देगा और निकल जाएगा। जैसे ही 1 आएगा तो चूँकि 0 में अगली हो जाएगा, और जो 0 अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट एन अगली नंबर। सेम अगर यहाँ पे 12 रहता तो क्या होता, ये 12 होता, यहाँ 12 होता, यहाँ भी 12 आता, जैसे ही 12 आता तो डिवाइड होता, जैसे ही यहाँ फिर क्या हो जाएगा 12 होगा, तो 12 को क्या करेंगे, जैसे ही 2 से डिवाइड करते तो 6 आ जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आएगा, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा। फिर जैसे ही डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड चूँकि हो जा रहा है, जो हो जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3 फिर क्या हो जाएगा, 3 2 से डिवाइड किया जाएगा, नहीं होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको 3 पे आएंगे, तो 3 से 2 3 डिवाइड हो जा रहा है तो 3 से 1 आ जा रहा है, तो 1 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जैसे ही 1 आ गया, यहाँ ग्रेटर देन 1 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ एफ का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, अगली नंबर होगा। इस तरह आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में अगली नंबर का। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।